वरिष्ठ सीएम सचिन पायलट के बीजेपी के संपर्क में होने की खबर है। बताया जा रहा है कि वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर है कि उन्होंने बीजेपी उपाध्यक्ष ओम माथुर से मुलाकात की, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो दूसरे बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी राजस्थान के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ओम माथुर से मिले थे सचिन पायलट। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उनकी मुलाकात हुई थी। 40 मिनट तक तकरीबन ये मुलाकात चली और काफी वक्त से सचिन पायलट नाराज बताए जा रहे हैं अशोक गहलोत से, कांग्रेस पार्टी से। इस बीच वो दिल्ली आए थे और उनका कहना था कि वो आला कमान से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात अहमद पटेल से हुई थी और ये कहा गया था कि सब कुछ सुलझा लिया गया है, बावजूद इसके वो जयपुर रवाना नहीं हुए थे। मामला है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। राजस्थान में जब से सरकार बनी है उसी दिन से इनके अंतर्कलह शुरू हो गया था। तो जहाँ घोड़े अगर कहते हैं ना, तो घोड़े तो जहाँ हरियाली होगी वहाँ कुलाचे मारेगा, वहाँ जाएगा ही जाएगा। अगर वो सूखे में रहा तो उसके खुर खिड़ खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसको हरियाली चाहिए। तो वो चिंता करे कि हमारे यहाँ की हरियाली खत्म हो रही है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। भवानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं राजस्थान से, और उसके साथ ही साथ अनुराग ढांडा हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भवानी का रुख करना चाहूंगी। भवानी, कल जो हमने घटनाक्रम देखा कि सचिन पायलट जो है दिल्ली आए, अहमद पटेल से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद कहा गया कि उनको समझा लिया गया और वापस जयपुर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसी के बाद उठा पटक भी शुरू हो गई। कल रात भर बैठकों का दौर चला, क्या कुछ हुआ कल? देखिए, कल रात को फाइनली रात को जो मीटिंग हुई थी उसमें तकरीबन 1:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सीनियर नेताओं के बीच में जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये एक तो व्हिप जारी करने का फैसला किया, व्हिप जारी कर दिया गया। व्हिप में साफ तौर पर ये कहा गया कि जो विधायक मीटिंग के अंदर शामिल नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, समर्थन पत्र ले लिए गए थे। समर्थन पत्र पिछले 2 दिन से सिलसिला चल रहा है, यानी कि ये तैयारी अभी से नहीं है, पहले से है, और ये कांग्रेस को अंदेशा था कि कुछ भी हो सकता। और समर्थन पत्र में सबसे बड़ी बात है कि सचिन पायलट के समर्थकों ने भी समर्थन पत्र पर साइन कर दिए गए हैं। 109 विधायकों ने समर्थन पत्र साइन किए, उसमें हमारी जानकारी है कि उनके बेहद नज़दीकी जो है वो भी तो अगर वो मीटिंग में शामिल होते हैं तो आप मान के चलिए कि राजस्थान के अंदर जो पायलट के समर्थक मीटिंग के अंदर रहेंगे, उसके बाद में पायलट इस मीटिंग के बाद में कोई स्टेप उठा सकते हैं। बीजेपी नेताओं से वो लगातार संपर्क में, राजस्थान बीजेपी के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत को लेट नाइट बुलाया गया, उनको दिल्ली बुला लिया गया, वो दिल्ली गए क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत पूरे राजस्थान वाले के मामले में नज़र रखे हुए हैं। और सचिन पायलट की बीजेपी के कई नेताओं से बातचीत हो चुकी है और सचिन पायलट कोई भी स्टेप उठाएंगे ऐसा माना जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो विधायक दल की मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद में उसके बाद में आगे वो स्टेप उठाएंगे। बिल्कुल, यानी भवानी जिस तरीके से आप बता रहे हैं 10:30 बजे का वक्त महत्वपूर्ण है, जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और व्हिप भी बकायदा उसके लिए जारी किया गया है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बगावती तेवरों के बाद गहलोत सरकार पर संकट के बादल छाए दिख रहे हैं, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह 10:30 बजे ये विधायक दल की बैठक बुलाई और इस बैठक पर सबकी निगाह है क्योंकि यहीं से गहलोत सरकार का भविष्य तय होना है। इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप भी जारी किया कि अगर कोई भी विधायक बैठक में शामिल नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले देर रात सीएम अशोक गहलोत से अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे ने मुलाकात की थी, जिसके बाद तीनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि 109 विधायकों ने सीएम गहलोत को अपना समर्थन पत्र सौंपा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया और इन तीनों नेताओं को दिल्ली से राजस्थान भेज दिया, जिससे वो राजस्थान का सियासी संकट निपटा सके। वहीं दिल्ली से जयपुर गए कांग्रेस नेता अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे राजस्थान सरकार को बचाने में अब जुट गए हैं। तीनों नेताओं ने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर राजस्थान के सियासी संकट पर चर्चा की। कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है, जो भी संकट पैदा किया गया है वो बीजेपी की देन है। विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया।
इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है। कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, किसी निजी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना, उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एक मुहिम आज पूरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई गई सरकार को अस्थिर करने का जो एक प्रयास वो हर राज्य में कर रहे हैं, जिसका उदाहरण पिछले दिनों मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी देखने मिला है, और उसी को वो राजस्थान में दोहराना चाहते हैं। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान के सभी हमारे बहादुर विधायकों की मदद से और एक कुशल नेतृत्व के मदद से हम उनके इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्योंकि सचिन पायलट दिल्ली में हैं और ओम माथुर से उनकी मुलाकात भी हुई, कितनी संभावना दिख रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, पहले तो इस बात की संभावना को देखना है कि 10:30 बजे जो मीटिंग हो रही है, जिसके लिए अभी अविनाश पांडे को भी आपने सुना कि एक व्हिप जारी किया गया है कि जो विधायक शामिल नहीं हुआ इस मीटिंग में उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या सचिन पायलट पर कार्रवाई होगी? क्योंकि सचिन पायलट साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो इस मीटिंग में नहीं जा रहे हैं और अभी भी वो दिल्ली में मौजूद हैं, जिसका मतलब कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो क्या सचिन पायलट पर पार्टी कार्रवाई करेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। और अगर सचिन पायलट पर कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या वो नज़ीर नहीं होगा बाकी विधायकों के लिए भी कि पार्टी स्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसे मामलों को लेकर के पार्टी गंभीर नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये व्हिप सिर्फ कागजी कार्रवाई है? तो ये देखने वाली बात होगी। मुझे अभी भी लगता है कि ये जो ड्रामा पूरा चल रहा है, राजनीतिक ड्रामा राजस्थान का, इसका ये फर्स्ट फेज़ है और इस फर्स्ट फेज़ में राजस्थान सरकार पर ध्यान होने की बजाय मुझे लगता है कि सचिन पायलट पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल बीजेपी की कोशिश भी ये है कि सचिन पायलट को पहले किसी तरह से अपने खेमे में ले लिया जाए। सरकार उसके बाद भी गिराई जा सकती है, क्योंकि सचिन पायलट अगर पिछले 5-6 साल से देखें तो वहाँ पर पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, एक पार्टी के सिटिंग प्रेसिडेंट होना जिनके अंडर में कि पूरा एक चुनाव हो चुका है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। बीजेपी नेता पर ध्यान दे रही है, कांग्रेस फिलहाल सरकार बचाने को तवज्जो दे रही है। तो ये निश्चित तौर पर एक गेम पॉइंट होगा इस पूरे के पूरे ड्रामा का कि क्या सचिन पायलट का रुख होता है, और वो रुख 10:30 बजे की मीटिंग के बाद जो पार्टी ब्रीफिंग होगी उससे तय होगा कि क्या पार्टी उन नोटिस के बारे में कोई जिक्र करती है या नहीं, सचिन पायलट की जो शिकायतें उनके बारे में कोई जिक्र करती है या नहीं। यानी महत्वपूर्ण 10:30 बजे ही है, देखना होगा कि किस तरीके से जो बहुमत का दावा कर रही है उसको पूरा करती है। और सचिन पायलट जैसा कह चुके हैं वो नहीं पहुंचने वाले हैं, अगर वो नहीं पहुंचते तो क्या उन पर कार्रवाई भी होती है, ये भी देखना होगा। इससे पहले सचिन पायलट ने बताया कि वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं शामिल होंगे। आज सुबह 10:30 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, सचिन पायलट दिल्ली में ही हैं और वो जयपुर नहीं जा रहे हैं। सचिन पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस के 30 विधायक उनके साथ हैं और गहलोत सरकार अल्पमत में है। दिल्ली में सचिन पायलट ने बीजेपी के नेता और अपने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर हुई। ये मुलाकात 40 मिनट तक चली और इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जाने लगे कि सचिन पायलट भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।